Hi everyone, today we will discuss your chapter number 2, Traveling with Grandfather's Zoo exercise. Okay, so let's start your exercise. Look, this is your page number 32 and comprehension, match the names with the characters. जो characters हैं जो एक दूसरे से related हैं वो words आपको names हैं और वो उसके character से आपको match करना है. First देखिए यहाँ chips है, chips का एक स्क्रल एंड द टिमोथी, तो आपका टिमोथी किसका नेम था, टाइगर का. एंड द नेक्स्ट इज पॉपाई है, तो ये क्या था, आपका पैरट था. ओके तो नेक्स्ट करते हैं हम आपके एक्सरसाइज. यस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, इसमें क्या करना है आपको, एज ए क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस किसको बोलते हैं, जो हम किसी भी वर्ड के आगे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीफिक्स. और फिर उसका आपको क्या राइट करना है, मीनिंग. तो फर्स्ट देखिए आपका अपियर है, यहाँ हमारा जो प्रीफिक्स है वो डिस है, तो क्या बन गया आपका, डिस अपियर. नेक्स्ट है आपका देखिए सेकेंड है आपका चार्ज रिचार्ज मिस गवर्नमेंट, तो यहाँ मिस आपका क्या है, प्रीफिक्स. एंड द अनहैप्पी. नेक्स्ट है आपका प्री हिस्टोरिक PREHISTORIC, और यहाँ जो है ये इनके मीनिंग है. नेक्स्ट है आपका मिसलीड, लीगल का इलीगल, मोटिवेट डीमोटिवेट, पॉसिबल इम्पॉसिबल, रेगुलर इरेगुलर, सिक्योर इनसिक्योर एंड राइट ओवर राइट. तो ये आपको क्या करने हैं, प्रीफिक्स करने हैं. ओके और यहाँ आपके जो है मीनिंग लिखे हुए हैं, आप ध्यान से करेंगे वर्ड मीनिंग. यस नेक्स्ट देखते हैं आपका, जैसे डिसअपियर का मीनिंग क्या हो गया आपका, वनिश. नेक्स्ट देखते हैं पेज पे, लुक ये क्या है आपके, वो क्या थे, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स. सफिक्स कहाँ लगता है, इन द लास्ट ऑफ द वर्ड, है ना, वर्ड के लास्ट में लगता है. जैसे ये था आपका क्लास, तो आपका बन गया क्लासी फाइव. मेमोरी मेमोराइज, चाइल्ड चाइल्डहुड, तो यहाँ हुड क्या है आपका, सफिक्स है. ईजी ईजीली, इक्वल इक्वलिटी, एक्सप्रेस एक्सप्रेशन, फॉरगेट फॉरगेटफुल, फुल हो गया है ना. हैप्पी हैप्पीनेस, होम होमली, किंग किंगडम, एंड पॉपुलेट का पॉपुलेशन, विंड विंडी. और यहाँ उसी तरीके से जो आपके वर्ब हैं, ये जैसे फर्स्ट था आपका, अगर मैं इसको बोलूँ, जैसे आपका क्लास है, यस जो क्लास है वो क्या है, एक नाउन. ओके कलेक्टिव नाउन में आता है आपका, तो नाउन से हमने इसको क्या बना दिया, वर्ब. तो ये क्लास क्या है, नाउन, और नाउन से किस में हो गया, वर्ब. और नेक्स्ट भी क्या है, नाउन टू वर्ब, नाउन से वर्ब ही बना है आपका, इससे नेक्स्ट भी नाउन टू. चाइल्ड क्या है, एक नाउन है, और चाइल्डहुड क्या है, ये एडजेक्ट. इस तरीके से आपको ये चीज़ें राइट करना है. ओके नेक्स्ट देखिए, यस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन. प्रोनाउन की ये हैं, इसके हेल्प से आपको फिल करना है. वेयर इज द की, आई कांट फाइंड इट, तो की क्या है आपका, यस की. नॉन लिविंग थिंग है आपकी, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट. ओके नेक्स्ट देखिए, आई कट डैश ऑन द ब्रोकन ग्लास, तो आई अगर आई का हम बोलें तो क्या बनेगा, माई सेल्फ. योर ड्रेस इज़ वेरी सिमिलर टू माइन, MINE. नैना लव्स टू रन, नैना क्या है, गर्ल है, और गर्ल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सी का यूज़ करते हैं. माई अंकल इज़ कमिंग टू विजिट अस दिस विंटर. ग्रैंड फादर वॉज ऑन हीज फीट इन अ मोमेंट. आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर. एट्थ है आपका माई, एंड द नाइन्थ इज अस, सी मेक्स हर सेल्फ. ओके तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, डन. देखते हैं, यस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में कुछ वर्ब आपकी दी हुई हैं, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ जो वर्ब्स को है फिल करना है. फर्स्ट देखिए क्या है आपका, यस समर, तो समर क्या है, सिंगुलर नाउन, और अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उसका आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ए एस आप फिल करते हैं, तो यही आपका स्विम्स आ जाएगा. आ लॉन बी, यस क्या आ जाएगा, बजीज, BUZZ.
सी गोज सिंगुलर है. नेक्स्ट है आई प्लान टू विजिट ऑल द मेजर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस विच इज. नेक्स्ट है आपका ये थोड़ा यस फोर्थ का अभी आप इसमें क्या है बीच है ओके तो यहाँ बीच ही आएगा यस बीच आएगा ये यहाँ रॉन्ग है इसका तो यहाँ आप बीच करेंगे आएगी. रसबेरीज आर. नेक्स्ट है द डर्ट रोड यस ब्रांचिज राइट है. आवर डॉग यस प्लेसिस ई एस लग जाएगा. द मदर किसिस. नेक्स्ट है मैन डेस्ट्रॉय डी ई एस टी आर ओ वाई एस और ही बॉक्सिस बी ओ एक्स ई एस और यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्रैक्टिसेस एस लग जाएगा पी आर ए सी टी आई सी ई एस प्रैक्टिसेस. तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी डन. लेकिन फोर्थ में आपका क्या आएगा बीच. नेक्स्ट देखते हैं यस यहाँ आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपके जो टेंस हैं कि उसका टाइप्स बताइए कि ये किस टाइप के सेंटेंस है. यस पार्ट ऑफ सेंटेंस जैसे इज द सन हॉट तो ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट है आपका इट हैज़ रेन ऑल डे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट रेन्स इन जून एंड सितंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस. बेटा ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के आपके जो टेंसेज है उसकी वीडियो बनाई हुई है एक बार आप चेक कर लेना वो हाँ उसमें से आपको पूरे जो टेंस हैं वो अच्छे से आ जाएंगे. ओनली यहाँ मैंने इसमें राइट किया हुआ है इसमें आप वो अच्छे से समझ लेना अच्छे से एक्सप्रेस किया हुआ है ना. जैसे टेंथ है ही इज़ क्लीनिंग तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या आता है आपकी वर्ब की यस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ये किस में आता है कॉन्टीन्यूस टेंस में. और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है. बट हेल्पिंग वर्ब में यहाँ डिफरेंस आ जाता है. पास्ट में क्या आ जाएगा आपका वॉज वर्ब लेकिन आपका कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट में क्या आ जाएगा इज एम आर. देखिए नाइन्थ भी आपका कॉन्टीन्यूस है. अब जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट अगर परफेक्ट का आपको बोलूं तो इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आप यूज़ करेंगे हैज़ हैव. ये क्या है अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आपका जो सिंपल है तो सिंपल में आपको ओनली क्या मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस मिलेगा. इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे. यस एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. नेक्स्ट आपका सिंपल कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इसमें वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मिलेगा इसमें. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट तो इसमें हैज़ हैव मिलेगा. ओके नेक्स्ट करते हैं. यस इसमें ये एक्सरसाइज जो नीचे है लिसन पैसेज तो इसमें चमेलियन यहाँ क्या है नर्सरी है अच्छे से एक्सरसाइज फिल कर लेना. ये क्या है पपाइज. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. ये क्या है एक स्टोरी है. यस ये किसी वो ना क्लास के आपकी फिफ्थ या क्लास की शायद कोई बुक थी उसमें भी ये चैप्टर आपने रीड किया था तो उसी की स्टोरी को शॉर्ट अप करके यहाँ दिया हुआ है और फिर आपको क्या करने हैं ये फिलअप फिल करने हैं. यस द गार्डनर और नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम इसके बाद टीचर यस क्लासरूम डायरेक्शंस एस्केप्ड और गार्डन. ये भी आपकी तरह जैसे पाइथन और इसी की थी स्टोरी. ओके बेटा तो ये चैप्टर आपका हो गया डन. यस ओके थैंक्स एवरी वन.